हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ममा अर्थ का नया रिलीज विटामिन सी फेस टोनर विद विटामिन सी एंड कुकुम्बर। अभी टोनर वो क्या काम करता है हमारे स्किन के लिए? तो फर्स्ट है गाइस, जो इम्प्यूरिटीज रह जाता है फेस को वॉश करने के बाद भी हमारे स्किन के टॉप लेयर पे, लाइक पानी जो है कहीं कहीं पे हार्ड वाटर रहता है या पानी जो है इतना अच्छा तो रहता नहीं है सब जगह पे। हम तो जो मिनरल वाटर है उससे फेस को वॉश नहीं कर पाते हैं, तो वो जो इम्प्यूरिटीज है वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं, एंड उसी को क्लियर ऑफ करने के लिए टोनर बहुत बहुत हेल्प करता है। तो अगर पानी के वजह से आप सोच रहे हो स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो फर्स्ट जो काम करना है आपको टोनर यूज करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, टोनर हमारे स्किन का जो पोर साइज को डीप क्लीन करता है। अभी पोर्स क्लीन होने से हमारे फेस पे जो एक्नेस या ब्रेकआउट्स होने का चांसेस है, स्किन इरिटेट होने का या सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके साथ साथ जो फेस वॉश है उसका जो पीएच लेवल है वो भी हमारे स्किन का थोड़ा सा कम ज्यादा कर देता है, मतलब एग्जैक्टली सेम पीएच लेवल जो है मेंटेन नहीं कर पाता है स्किन फेस को वॉश करने के बाद। तो टोनर जो है हमारे स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसको भी मेंटेन करता है, ठीक रखता है, ताकि स्किन जो है वो हेल्दी हो पाए। ये तो था गाइस टोनर को यूज क्यों करना चाहिए। अभी जो ममा अर्थ का प्रोडक्ट है ये क्यों आपको यूज करना चाहिए या क्यों नहीं यूज करना चाहिए, सभी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स, अच्छा बुरा सब जानने के लिए। फर्स्ट देख लेते हैं ब्रांड ने क्या क्लेम किया है, क्या ये प्रोडक्ट काम करता है। ये हमारे स्किन का पोर्स को टाइटन करता है, पीएच लेवल को मेंटेन रखता है एंड हमारे स्किन को प्यूरिफाई या डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसमें गाइस कोई भी अल्कोहल नहीं है, जो फर्स्ट मेन क्राइटेरिया होता है टोनर चूज करने के टाइम पे। नेक्स्ट, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा है। यस, अगर आपका स्किन जो है वो ऑयली है तभी भी बहुत अच्छा जाएगा, अगर ड्राई है तब भी अच्छा जाएगा। कोई कोई टोनर होता है जो स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, बट ये टोनर स्किन को ड्राई भी नहीं करता है, ऑयली या ग्रीजी या मॉइस्चराइज भी नहीं करता है। ये एकदम स्किन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। एंड फाइनली ममा अर्थ का जो सभी प्रोडक्ट है वो केमिकल फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है एंड वेगान है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राइस। इसका प्राइस है गाइस 399 रुपीज, बट यहाँ पे हमें मिल जाता है 200 ml प्रोडक्ट। तो 200 ml प्रोडक्ट मतलब इतना सारा प्रोडक्ट आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ चली जाएगा, अगर आप दिन में 2 बार भी इसका यूज करते हैं तो, एंड टोटल 2 इयर्स का शेल लाइफ हमें मिलता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पे क्या क्या कॉम्पोनेंट यूज किया गया है। तो फर्स्ट है विटामिन सी, आप देख ही सकते हो इसको विटामिन सी टोनर ही बोला गया है। तो विटामिन सी क्या करता है, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा या पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे डल स्किन को ब्राइटन करने में, स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है, स्किन का एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, कोई भी मार्क्स है उसको रिड्यूस करने में, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये साइंस ऑफ एजिंग से भी फाइट करता है, स्किन को फार्म एंड यंगर लुकिंग बनाने में हेल्प करता है, ये हमारे स्किन का जो पोर्स है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। जो कंपोनेंट है वो है कुकुम्बर, एंड कुकुम्बर हम सभी को पता है गाइस हमारे स्किन को कूल डाउन करने में, सूथ करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर एक्नेस प्रॉब्लम है वहां पे भी कुकुम्बर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुकुम्बर भी एक एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, ये हमारे पोर्स जो है उसको भी टाइटन करने में, प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एलोवेरा, जो हमारे स्किन का पीएच लेवल को मेंटेन करता है एंड हाइड्रेशन भी देता है। कंपोनेंट है गाइस विच हैज नेचुरल एस्ट्रीजेंट है, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। ये स्किन का जो ऑयलीनेस है उसको रिड्यूस करता है, पोर्स को डीप क्लीन करता है। तो अगर आपके स्किन में एक्ने प्रॉब्लम है, रैशेस है, ब्रेकआउट जो है वो ज्यादा होता है या इरिटेशन है, विच हैजल स्किन का इरिटेशन को रिड्यूस करने में, एक्नेस को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये पोर्स को टाइटन करता है, पोर्स का जो साइज है उसको रिड्यूस करता है। तो समर जो है गाइस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है एंड ह्यूमिड भी होने लगा है वेदर। इसी वेदर पे स्किन जो है बहुत जल्दी ऑयली हो जाता है, ग्रीजी हो जाता है। तो इस टाइम पे अगर आप ऐसा वाला टोनर यूज करते हो तो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपका स्किन जो है ऑयली नहीं होगा, उसके साथ साथ एक्नेस भी रिड्यूस हो जाएगा एंड आपका स्किन जो है वो क्लियर रहेगा।
तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ गाइस कि टोनर जो है वो हमारे स्किन केयर रेजिम में इंक्लूड होना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये जो प्रोडक्ट है कौन कौन यूज कर सकता है। तो ऑयली स्किन के लिए तो मैंने बोल ही दिया क्लियरली बहुत अच्छा रिजल्ट ये देगा। ड्राई स्किन में भी गाइस बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा बिकॉज ये आपके स्किन को ड्राइंग आउट नहीं करेगा, स्किन को इरिटेट नहीं करेगा, सूथ भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा एंड स्किन को रिफ्रेश बनाने में हेल्प करेगा। मेन वुमेन दोनों ही इसका यूज कर सकते हैं एंड 15 इयर्स के प्लस अगर आपका एज है तब भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आप 16, 17, 18 इयर्स का है तब भी ये टोनर जो है आपके लिए अच्छा ही जाएगा एंड अगर आप 50 इयर्स में भी है तब भी ये टोनर आपके लिए अच्छा होगा। तो कोई भी एज ग्रुप इसको यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग गाइस आप देख सकते हो काफी बड़ा वाला एक बॉटल है तो बैग में पर्स में तो इसको कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल है बट यस अगर आप कैरी करते हो तो ये ओपन होने का चांसेस नहीं है बिकॉज जो कैप है इसको हमें रोल ओवर करके ओपन करना है। टेक्सचर जो है गाइस वो एकदम ही वाटर लाइक है, हल्का सा एक क्लाउडी वाटर है एंड इसका जो स्मेल है वो एग्जैक्टली विटामिन सी सीरम जो था सेम एग्जैक्टली सेम है। एक साइट्रस स्मेलिंग आता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है स्मेल। अभी इसको यूज करने के लिए फेस को क्लीन करना है तो फेस को फेस वॉश जो है उससे आप क्लीन कर लीजिए, उसके बाद इसको कॉटन पैड पे ले लीजिए एंड बहुत ही जेंटली सॉफ्टली आपको जस्ट डैप करना है एंड हल्के से स्वाइप करना है। स्वाइपिंग करने के बाद मैं प्रेफर करती हूँ, मैं सजेस्ट भी करती हूँ गाइस, ये जो प्रोडक्ट है हाथों के ऊपर थोड़ा सा ले लीजिए एंड उसके बाद अपने फेस के ऊपर जस्ट इसको टैप कीजिए, ये स्किन के अंदर तक पहुंचेगा एंड रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा एंड इसको यूज करने के इंस्टेंट बाद आपको एक रिफ्रेश्ड फील होगा स्किन के ऊपर। मैं नहीं बोलूंगी गाइस ये आपका स्किन को एक दिन या दो दिन या वन वीक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है बट रेगुलर यूज करने से आपके स्किन का जो मार्क्स है वो भी कम होगा, आपका स्किन का जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज होगा, स्किन इवन टोन बनेगा, एक्नेस रिड्यूस होगा, अगर स्किन के ऊपर ड्राई पैचेस है वो भी कम होगा। ट्राई जरूर करके देखिए, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट पाने वाले हैं। तो मैंने इसको गाइस ऑलमोस्ट 3-4 डेज तक यूज कर चुकी हूँ एंड ये मुझे कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं दिया है। तो फर्स्ट जो आता है ब्रेकआउट्स नहीं दिया है बिकॉज ये पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, इनफैक्ट पोर्स को क्लीन करता है। तो इसको यूज करने के बाद इंस्टेंट रिफ्रेश फील होता है बट हाँ अगर आप बोलोगे कि मेरे स्किन के ऊपर इन 3 दिनों में कोई भी ब्राइटनेस ऐड किया है कि नहीं, वो तो नहीं होता है। इनफैक्ट मेरा स्किन जो है भी काफी ठीक है, ओके है, तो एक्स्ट्रा कुछ इसके ऊपर ऐड होने का चांसेस नहीं है बट यस ये जो टोनर है अभी मैं इसको ही यूज करने वाली हूँ। बिफोर इससे पहले मैं 2-3 और टोनर यूज कर चुकी हूँ बट यस ये टोनर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे पहले गाइस मैंने द फेस शॉप का मॉइस्चराइजिंग टोनर आपसे शेयर किया था, वो जो टोनर है वो अलग है जिसको हमें सिर्फ डैप करना है, वो टोनर मॉइस्चराइजिंग टोनर है एंड ड्राई स्किन, मैच्योर स्किन या डैमेज स्किन के लिए अच्छा होगा, वो ऑयली स्किन के लिए अच्छा नहीं था बट ये टोनर सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए जरूर यूजफुल आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूले, मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।